हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा फिक्स हो चुका है। आपने पहले ही मेरी स्टोरी देख ली होगी इंस्टा पर। ये थोड़ा लेट आएगा तो बस ये न्यूज़ है, बहुत खुशी वाली न्यूज़ है। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, सब वेट कर रहे थे ये दिन का। तो मैंने सोचा ये ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा अखातरीज पर मेरा रोका है, तो ये मैं सोच रही हूँ पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ मेरा आउटफिट देखने के लिए। मैं कुछ सोच रही हूँ अनारकली टाइप का कुछ पहनूंगी, वो भी सिंपल ही पहनना है इतना, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन नहीं है। और लड़के वाले जो साड़ी देते हैं वो वाला है, उन्होंने मुझे बोला है कि तू खुद ही ले ले तेरी पसंद से। तो मैं वो साड़ी भी लूंगी और ड्रेस लूंगी अनारकली। तो अभी मैं वहां पर जाती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहना। मेरे खुशी वाला मौका है तो पूरा ब्लॉग देखना लास्ट तक। रेडी रेडी प्रियांश, रेडी रेडी चलना है शॉपिंग करने। क्या खा रहा है अभी? ओरियो बिस्किट खा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मैं, भाभी, मम्मी और प्रियांश। कृष्णा। ओके, कृष्णा बस। चलो, बहुत ही धूप है अभी इसलिए बांध बांध के जाना पड़ रहा है। ये है मनीष फैशन, यहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम आ चुके हैं शॉप पर और यार अभी हम पहले देखेंगे कुछ अनारकली सूट। ये मैंने फर्स्ट आउटफिट पहना था, ये सिमिलर है जैसे मैंने रोका में पहना था, पर वो रेड में था। ये थोड़ा सा पिंक कलर में है और थोड़ी प्रिंट अलग है, डिफरेंट है, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, ये नहीं, कुछ और ट्राई करती हूँ। तो मैंने दूसरा ट्राई किया। कैसा लग रहा है? एकदम जोरदार। ये मुझे पसंद आ रहा था पर ये वेस्टर्न वेयर टाइप का लग रहा था, तो मैंने सोचा ये नहीं, मुझे कुछ ट्रेडिशनल टाइप का पहनना था। और ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, प्लाजो था, चोली था और ऊपर श्रग था, बिल्कुल नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये कैंसल। फिर मैंने दूसरा आउटफिट देखा, पिंक कलर का था, बहुत ही भड़कीला कलर लग रहा था, बहुत ही शाइनिंग कर रहा था, तो ये भी मुझे पसंद नहीं आया। फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है। अच्छा लिया ना? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। और अभी हमको मिली जीरा सोडा और प्रियांश को मजा आ गया। देख, मेरा रोका का ड्रेस तो हो चुका है और हमको वहाँ पे साड़ी अच्छी नहीं लगी है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो अभी हम आए प्राइम मार्केट, देखते हैं यहाँ पे अच्छी मिलेगी कि नहीं। मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको दिखाते हैं ना, आप पसंद करते हो। वैसे साड़ी इतनी पहनती नहीं हुई है इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं आ रहा है कैसे लेनी चाहिए, देखते हैं। और ये है प्राइम आर्केट, अभी यहाँ से हम साड़ी लेंगे, देखते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लेनी चाहिए। फाइनली एक शॉप मिली, वहाँ पर ये मुझे साड़ी अच्छी लग रही थी, गोटा पत्ती वाली थी, तो ये मैंने फ़िलहाल सिलेक्ट की है, मुझे अच्छी लग रही है। आप बताओ कैसी लग रही है साड़ी। फाइनली हमारी साड़ी की शॉपिंग हो चुकी है। मैंने ऑर्डर किया था 3-in-1 मलाई और ड्राई फ्रूट वाला आइस डिश, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम था। मुझे पर्सनली आइस डिश बहुत ही पसंद है और वैसे भी ये समर सीज़न में आइस डिश इज बेस्ट थिंग खाने के लिए, तो बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत ही एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग, कल हमने शॉपिंग कर ली थी, मैंने एक साड़ी ली थी और एक ड्रेस लिया था और साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मेरी चॉइस की थी, पर अभी मुझे वो अच्छी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो सर पे उड़ाएंगे, तो ब्लू कलर रोका में अच्छा नहीं लगेगा सर पे उड़ा हुआ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ रेड कलर या ग्रीन कलर
ऐसा कलर का कुछ और साड़ी ले लूं। तो अभी हम वो लेने जा रहे हैं, मैं मम्मी और भाभी जा रहे हैं, तो देखते हैं वहां पे कोई अच्छी लगती है। वैसे मुझे जैसी पसंद है ना वैसी वाली मुझे मतलब मिल नहीं रही है, मुझे सिर्फ पूरा प्लेन चाहिए और बॉर्डर हो वैसी वाली साड़ी चाहिए। तो देखते हैं आज मिलती है कि नहीं मिलती है। चलो रेडी सब, रेडी चलो। पहले हमारा प्लानिंग था मेरा मम्मी और भाभी का जाने का, पर बहुत ही ज़्यादा धूप थी, समर है, पापा ने बोला चलो मैं भी साथ में चलता हूँ गाड़ी लेकर, तो हम साथ में निकले सब। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, पापा आ रहे छोड़ने के लिए, पापा हाय बोलो। हाय। और मम्मी आ रहे हैं और भाभी आ रहे हैं अभी। तो मैं मम्मी और भाभी जा रहे हैं और वहाँ पे मस्त वाली साड़ी लेंगे, मिल जाएगी ना पापा, मुझे पसंद है। बहुत बढ़िया मिल जाएगी वहाँ तो। अभी हम आ चुके हैं अशोका शॉप में, यहाँ का कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही फेमस है सूरत में अशोका। यहाँ पे लहंगा है, साड़ी है, सब चीज़ इतनी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कैसी साड़ी लेनी चाहिए, मैं ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रही थी, मुझे कलर में भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लेना चाहिए जो सर पर अच्छा लगेगा। फाइनली मुझे ये रेड वाला बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये एक बार पहन के ट्राई करती हूँ। तो ये सच में बहुत अच्छा था और मैंने यही वाला साड़ी है वही मैंने बाय की है, मुझे बहुत ही पसंद आई। अभी हमने ले लिए कुल्फी, मैंने लिए शुगर फ्री, बादाम पिस्ता वाले लिए, तूने कौन सी ली है? जामुन जामुन लिए मम्मी ने, मैंने भी जामुन, पर मम्मी इसने मिल्क वाली ली। और मम्मी दिखाओ कैसी है, वो कुछ अलग है। पापा अपने नहीं खाए जामुन, शोर मैंने शुगर फ्री खा लिया। मुझे ऐसा कुछ डायबिटीज है नहीं पर मैं शुगर फ्री खा रही हूँ, बाकी सबको लगे मुझे डायबिटीज है। अभी हम आए बेंडर से निकले, लड़कियों के साथ आ गया। कैसी लगी आपको? बहुत मस्त। मेरा आउटफिट था रेड, तो मैंने ये रेड कलर का चूड़ा बनवाया है, मुझे बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये रेड कलर का चूड़ा बनवाया है, रेड और ग्रीन कलर का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी इसमें इतना ले रही हूँ तो मैं शादी में तो कितना बड़ा लूँगी। अभी हूँ मैं क्लिनिक में और अभी मैं देख रही थी केक रोका के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था रोका वाला कुछ केक बनवाऊँ या फिर टुगेदर फॉरएवर वाला, देखती हूँ घर जाके भाभी से भी पूछती हूँ बाद में ऑप्शन और देखेंगे कौन सी बनानी चाहिए। और फिलहाल मेहंदी वाली आ चुकी है घर पर, मम्मी और भाभी की लग गई होगी अभी तक, और मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ, मेरे को मेरी नंदी लगाने वाली है अभी, तो चलो मैं निकलती हूँ। अभी आ चुकी हूँ मैं घर और अभी भाभी और मम्मी की शायद मेहंदी हो चुकी है और मैं अभी जा रही हूँ ऊपर मेरी नंदी लगाने के लिए। लग गई मेहंदी, क्या कर रहे हैं आज? मेरी मेहंदी हो चुकी है और अभी लज्जा की स्टार्ट है, देख लीजिए मेरी मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है। चुके डन, बहुत ही ब्यूटीफुल मेहंदी लगाई है, बहुत ही ऑसम है, देखो ये, देखो ये एलिफेंट वाली भी बहुत ही अच्छी लग रही है, पीकॉक है और एक हाथ में एलिफेंट है, दूर से दिखाओ बहुत ही मस्त लग रही है, पीछे के भी मस्त है। चलो अभी कैसे लग रही है पापा मेहंदी? बहुत बढ़िया।
मस्त है ना। यहाँ पे पीकॉक है और यहाँ पे एलिफेंट है, बहुत ही अच्छी लग रही है मेहंदी। और अभी आपको खिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खिला दूंगा। तुझे भी लगानी है, तुझे भी लगानी है। लज्जा बुआ लिख देते हैं। लिख दू? लिख दो। ठीक है, मैं लज्जा बुआ लिख देती हूँ। अच्छा, है ना? अच्छा अच्छा, ओके। और अभी आप खिलाना मुझे, ठीक है? चलो ओके। अभी मुझे क्रियांश खाना खिला रहा है ना। लज्जा बुआ की सेवा कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। खिची खिची फटाफट। आ गया, आ गए। सॉरी, क्या हुआ बेटा? तू पहले ऊपर से पीसा तो ली। क्रियांश, ये क्या लाया? नई बाइक लाया। भाभी क्या कर रहे हो? मेहंदी। क्यों, कल तो आई थी मेहंदी वाली, अपने पैर पर नहीं लगाई तो? पर वो तो एंगेजमेंट में अच्छी लगती है ना, पैर में। नहीं, सभी में अच्छी लगती है, दुल्हन जैसा लगना भी चाहिए ना आपको। अभी दुल्हन बनने की तो बहुत टाइम है मेरा। नहीं, अभी आपकी सिंगल वाली जर्नी खत्म होने वाली है। बैचलर लाइफ खत्म हो गई? हाँ। तो खुश हो जाओ या दुखी हो जाओ? दोनों। हाय। क्रियांश बुआ की सेवा करने में बैठा है ना। क्रियांश क्या कर रहा है बेटा? नेल रिमूव कर रहा है। नेल पेंट? नेल पेंट करता हूँ। करता हूँ नहीं, रिमूव कर रहा है बेटा तू। ओके, चलो अच्छे से करना। हाँ, और कल क्या है लज्जा बुआ का? क्या है? रोका। सोच रहा है, रोका है। फिर रेड क्या पहनेगा तू? क्या पहनेगा? कुर्ता? बहुत हैंडसम लगेगा, क्यूट लगेगा। हैंडसम नहीं, हैंडसम बड़े लोग लगते हैं। क्रियांश क्यूट लगेगा। ये अभी हम गए थे फ्लावर लेने के लिए, क्योंकि अभी हमको डेकोरेशन करनी है कल के रोका के लिए। और इसमें है, कौन सा कलर है ये? ऑरेंज और येलो। और ये है रोज, ये है रोज। वेरी नाइस। अभी हेल्प करेगा ना? और पापा ने ऑलरेडी तैयारी कर दी है, पापा चल गए ऊपर। बाय बाय। मेरी किसकी शादी है? किसकी शादी है? ये तो बिजनेस करके। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं ये तोरण बना रही हूँ। ओके, क्रियांश क्या कर रहा है? खोला बुला दो। तोरण बना रहा है? ये मुझे हेल्प करा, हेल्प करवा रहा है। तो करवा ये, हाँ, नाखून क्या देख रहे हैं? हेल्प करवा। सिखा रहे? ओके, सिखा रहे तुझे। ओके, और यहाँ पे चल रहा है ये फ्लावर का। ये क्या कर रहे हो? बस आपके रोके का डेकोरेशन। ये नहीं, ये क्या कर रहे हो? ये मैं टेबल सजा रही हूँ। अभी हम केक देख रहे थे और हमने सिलेक्ट की है, दिखाओ। दिख रहा है? दिख रहा होगा। कहाँ से? इसी आया, अच्छी दिख रही है ना? बहुत अच्छी। कहाँ से ऑर्डर करी है? केक क्राफ्ट।
हम वहीं से करते हैं ऑर्डर और वही हमारा पुराना फ्लेवर है वेरी बेरी। और बस अभी हमारा डेकोरेशन भी हो गया है, उसका मैं शॉट दिखाती हूँ। तो बस फटाफट लज्जा कुछ सीक्रेट नहीं रखने वाले हैं, सब कुछ दिखा देंगे। हमारे जो जमाई राजा होने वाले हैं उसे भी शायद सब कुछ दिखा दिया होगा, सरप्राइज तो होगा ही नहीं उसके नहीं, लिए कुछ। मैंने नहीं दिखाया, वो कल ही देखेंगे। और अभी मैं डेकोरेशन दिखाती हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमने बहुत ही मेहनत करी है ये ब्लॉग के लिए, मतलब शॉपिंग करने जाते हैं सब चीजें हमने शूट किया है, तो प्लीज प्यार देना है ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे और भी चाहकों को बताना सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपको बैक व्यू दिखा देते हैं अभी। और कल का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ब्लॉग पूरा देखना और कल का दूसरा पार्ट आएगा वो भी देखना। और बस चलो ये ब्लॉग यहाँ पर ही एंड कर रहे हो। मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और दूसरे पार्ट के लिए रेडी रहना। बाय, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।